हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेयांशी सक्सेना। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग बर्थडे चिट कैसे बनाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ हम लोगों को चाहिए होंगी। हम लोगों को सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होंगी जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। पहले तो आपको एक ब्लैंक पेपर चाहिए होगा, एक सीज़र एंड वन पेन चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें सबके घर पे होती हैं, तो आप लोग ये चीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये ब्लैंक पेपर की बात है और आपको इसको बराबर मोड़ना है, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो ख़राब भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और चलिए मैं इसको अब मोड़ने जा रही हूँ, आप लोग भी मोड़ लीजिए। और कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने मोड़ लिया है इसको, तो मैंने मोड़ लिया है इसको। अब क्या करना है, ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है, इसको हमें देखना है। और यहाँ पे जो भी आपको लीफ या हर्ट या कुछ भी बनाना हो तो यहाँ पे आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने बना लिया है। मुझे ज़्यादा बड़ा बनाना था तभी मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया। अब जो ये पेन से हम लोगों ने बनाया है, अब इसी को हम लोग सीज़र से कट करते हैं। आप देखिए कैसे कट करते हैं। ये जो पेन से आपने ड्रॉ किया है, जो भी लीफ या हार्ट आपको बनाना है, जो आपने पेन से ड्रॉ किया है वही आउटलाइन को आपको सीज़र से कट करना है। ज़्यादा बिग सीज़र नहीं होनी चाहिए। अब इसको कट कर लेते हैं हम। तो ये हमारा रिजल्ट है। हार्ट देखिए कितना अच्छा हार्ट बना है ना, बड़ा सा। तो अब आप इस पे बर्थडे या कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं अभी लिखती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों बना रही हूँ। ओके, तो अभी रुकिए। वैसे मैं किसी की बर्थडे में नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए। आपको ये ऐसे बना, अगर किसी के बर्थडे में आप जाते हैं और आपको बर्थडे चिट नहीं है आपके पास, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर तैयार करिए। देखिए फिर क्या रिज़ल्ट आता है आप लोगों का। मेरा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, मैंने ये पहली बार ट्राई किया है। तो मैंने टिकटॉक पे देखा था इसको, या पता नहीं मेरे भाई ने मुझे बताया था कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो मैं सीख गई और मैंने तुरंत वीडियो बना ली। तो चलिए, मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो होता है वो करता है। Thank you.
फ्रेंड्स गाइस मैं अभी आती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ। तो गाइस मैंने बना लिया है, तो अब आप लोग भी देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। फ्रॉम, देखिए, फ्रॉम श्रेयांशी सक्सेना टू माय फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने हार्ट बना दिए और यहाँ पे 3 फ्लावर बना दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रेस आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि मेरी न्यू वीडियो आ तो आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए बाय।